नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सेंट स्टीफेंस कॉलेज का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में इस कॉलेज का नाम आता रहता है। सब लोग बोलते हैं बड़ा ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं 12वीं कक्षा में इस कॉलेज के एडमिशन के लिए। और ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब इस कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लड़ाई चल रही है। और मैं बता दूँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी में इसलिए रहता है, मतलब पहले रहा है कि भाई ये क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन देते हैं, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है इस कॉलेज के अंदर। 50% सीटें सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड हैं, और क्रिश्चियंस में भी अलग अलग डिनोमिनेशंस के लिए, जैसे कि चर्च ऑफ द नॉर्थ इंडिया से एफिलिएटेड क्रिश्चियंस के लिए कुछ रिजर्व्ड हैं, कुछ दिल्ली डायोशियन ट्रस्ट एसोसिएशन के लिए रिजर्व्ड है। मतलब बेसिकली आप समझ लो कि 100 सीटें हैं अगर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर, तो 50 क्रिश्चियंस आएंगे और बाकी जनरल कोटा में जाएंगे। अच्छा, जो बाकी जनरल कोटा में भी जाएंगी उसमें से भी एससी एसटी के लिए 17% सीटें हैं और लगभग 83% बिल्कुल ओपन कैटेगरी में जनरल के लिए एग्जाम होता है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो धर्म के आधार पर 50% सीटें सेंट स्टीफेंस में रिजर्व्ड हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड 1992 में ऑलरेडी एक केस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ भाई ठीक है, सेंट स्टीफेंस में ये जो माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन है ये सही है। अब रिसेंटली देखिए, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं और सीट सेंट स्टीफेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से लड़ाई कर रहा हाई कोर्ट के अंदर। और इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो पर्टिकुलर आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस आर्टिकल को लिखा है वेल्सन थम्पू साहब ने। वेल्सन थम्पू साहब प्रिंसिपल रह चुके हैं 12वें सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, और अपने ही कॉलेज के जिसके प्रिंसिपल रहे हैं उसकी इतनी बुराई कर रहे हैं। इनफैक्ट लंबे समय तक इस कॉलेज के स्टाफ में भी रहे हैं वेल्सन थम्पू साहब। और ओवरऑल जिस प्रकार का एडमिशन प्रोसेस है ना सेंट स्टीफेंस कॉलेज का, उसको ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं वेल्सन थम्पू। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बाकी कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में एक चीज़ अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज थे ना उनके एडमिशन 12th के नंबरों के आधार पे होते थे, अब CUET के आधार पे बताए जा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो एंट्रेंस टेस्ट की बात की जा रही है कि भाई इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एंट्रेंस टेस्ट एक सेंट्रल एग्जाम के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट स्टीफेंस एक अकेला कॉलेज था जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं एडमिशन से पहले। जी हाँ, पहले इस इंटरव्यू का वेटेज हुआ करता था 15%। बाद में जो 12वें प्रिंसिपल थे वेल्सन थम्पू साहब ने, जब ये प्रिंसिपल थे तो इन्होंने इंटरव्यू का जो वेटेज था वो 15% से 10% कम करवाया। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वेल्सन थम्पू साहब सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सेंट स्टीफेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्टिकल 30 की बात करो, स्पेसिफिकली आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा हुआ है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. मतलब कि एक minority, चाहे वो religious minority हो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो भाषा के आधार की minority हो, वो एक educational institution चला सकता है, उसको manage कर सकता है, administer कर सकता है। लेकिन इसके चक्कर में ये minorities कभी कभी कुछ इस प्रकार का tender दिखाती हैं, ऐसा author यहाँ पे बोल रहे हैं वेल्सन थम्पू, जो कि उल्टा पड़ जाता है। और ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए गए उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे केरला की बात की गई। केरला के अंदर जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया है वहाँ पे मेंबर्स हैं साउथ केरला डायोसिस के, इन्होंने क्या किया कि एक मेडिकल कॉलेज खोला, और चूंकि वो मेडिकल कॉलेज का क्रिश्चियन कैरेक्टर था तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स क्रिश्चियनिटी के भर्ती होंगे। अब 2019 में ये जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया है इसके बिशप और कबाल ने कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स को एडमिशन दे दिया 7.5 करोड़ रुपए लेके जो इनएलिजिबल थे, मतलब गलत झांसा देके उनको मेडिकल कॉलेज में बोला कि एडमिशन करवा देंगे, बाद में एडमिशन हुआ नहीं, तो वो बच्चे कहां चले गए, हाई कोर्ट ऑफ केरला में चले गए, बिशप को पकड़ा गया, बिशप ने बोला 7.5 करोड़ रुपया दे दूंगा, लेकिन जो 7.5 करोड़ रुपया बच्चों से लिया था वो तो खत्म कर चुके थे, तो बोला कि चर्च के फंड से पैसा दे दूंगा। तो चर्च के फंड ने बिशप को और उसके फॉलोअर्स को निकाल दिया कि भैया तुम्हारे फ्रॉड का और स्कैम का पैसा हम चर्च के फंड से नहीं देंगे। मतलब कि यहां पे माइनॉरिटी राइट्स के बेसिस पे गलत मैनेजमेंट हुआ, और कुछ ऐसा ही गलत मैनेजमेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर हो रहा है, ऐसा यहाँ पे थम्पू साहब बोल रहे हैं। इनका क्या बोलना है, इनका ये बोलना है कि 1990s में जब ये फैकल्टी स्टाफ में थे उस समय पे इन्होंने एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि एडमिशन प्रॉपर तरीके से फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं। इन्होंने तो ये तक बोल दिया है यहाँ पे वेल्सन थम्पू ने कि भाई ये जो कहा जाता है ना कि सेंट स्टीफेंस में बहुत अल्ट्रा
कह लो यू नो शार्प टाइप के बच्चे एडमिशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे और बहुत ज़्यादा यू नो एलीट माइंड के बच्चे एडमिशन लेते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। जितना बड़ा नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज का, उसका एकेडमिक कैलिबर इतना नहीं है। सोचिए, बड़ी बात बोल दी है, मतलब सेंट स्टीफेंस का जितना नाम है कि इसमें पहुंच गए तो आप बहुत होशियार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। ये ओपनली यहाँ पे वेल्सन थैम्पू बोल रहे हैं। अब क्या गड़बड़ है, इनका ये बताना है कि मान लो पूरे एडमिशन प्रोसेस में 15% इंटरव्यू को वेटेज दिया जाता है, और आप मान लीजिए 98% अगर बोर्ड का कट ऑफ है, अभी CUET की बात नहीं हो रही, 98% बोर्ड का कट ऑफ है। अब ओवरऑल मान लीजिए कि 98% से ऊपर के जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, मान लो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बोर्ड में 100% नंबर लेके आए, दूसरा 98.1% नंबर लेके आए, तो इंटरव्यू के मार्क्स में अगर दो नंबर का भी फर्क हो जाएगा ना, तो भी 98% वाला सेलेक्ट हो जाएगा और 100% वाला बाहर हो जाएगा, भले ही 85% वेटेज आप किसको दे रहे हो, 12th के मार्क्स को दे रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस बनाया गया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर, इस प्रोसेस को इसीलिए बनाया गया था कि सेंट स्टीफेंस का एडमिनिस्ट्रेशन अपने मन मुताबिक तरीके से जिसको एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन देना चाहे दे, जिसको ना देना चाहे ना दे। एंड बाय द वे, दिस इज अ बिग एलिगेशन ऑन सेंट स्टीफेंस। अब ये वेल्सन थैम्पू ने एलिगेशन लगाया क्यों है, एक्चुअली में भी रिसेंटली हुआ यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, CUET। तो इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इस टेस्ट स्कोर को फॉलो करना है और इस टेस्ट स्कोर के आधार पे आपका एडमिशन होगा। अब ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए नियम कानून निकाल दिए, बोला कि भाई CUET के हिसाब से हम एडमिशन लेंगे। अब इन नए नियम कानून में बोला क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि सेंट स्टीफेंस के अंदर जो 50% सीटें क्रिश्चियन बच्चों के लिए रिजर्व हैं वहाँ पर इंटरव्यू कराना चाहो तो करवाओ, लेकिन जो 50% जनरल सीटें हैं वहाँ इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि एक पैरामीटर CUET पे एडमिशन लेगा, कोई भी एक्स्ट्रा इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत पहले से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इंटरव्यू बहुत पहले से चल रहे हैं, तो आप हमारा इंटरव्यू बंद नहीं कर सकते। और हमारे इंटरव्यू देने की अथॉरिटी तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दी है। देखिए, अभी रिसेंटली हुआ ये है कि ये जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में इंटरव्यू को लेके कुछ बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके बोला कि भाई ये जनरल कैटेगरी के लिए इंटरव्यू क्यों ले रहे हो आप, जनरल कैटेगरी के लिए तो सेम अरेंजमेंट है ना। देखिए, सीधी बात है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट के 1992 के SC जजमेंट ने क्या बोला कि ठीक है भाई 50% सीटें अगर आप क्रिश्चियनिटी के आधार पर बच्चों के एडमिशन में रिजर्व कर रहे हैं चलेगा, लेकिन जो बची 50% सीटें हैं जिनको आप ओपन कैटेगरी में रख रहे हो, जहाँ पे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे कॉमन अमाउंट ऑफ मतलब कॉमन सॉर्ट ऑफ लॉज होने चाहिए। ये लेटेस्ट DU का नोटिफिकेशन बोल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर डेसिफर किया जाए तो यहाँ पे ये निकल के आएगा कि ठीक है भाई अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो तो जो माइनॉरिटी बच्चों का आप एडमिशन ले रहे हो उसमें आप अपने नियम कानून बना लो, चलेगा, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू रख रहे हो रखो, लेकिन जो बची 50% सीटें जनरल कोटा की है वहाँ पे इंटरव्यू नहीं रख सकते। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम बोलते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज ने बोला, अरे तुमने तो 1992 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वॉलिड कर दिया, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, हमारे पास तो चॉइस है। मतलब कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ये मांग हो रही है कि जो 50% सीटें ओपन से भरी जाती हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों की भरी जाती हैं, वहाँ पे भी हम रिजर्वेशन लेना मतलब इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। अब ये जो पहले के प्रिंसिपल रहे हैं वेल्सन थैम्पू सर, इनका बोलना है कि भाई ठीक है आप एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, 50% सीटें क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वालों के लिए रिजर्व हैं, तो बाकी 50% जनरल कैटेगरी वालों का इंटरव्यू लेके करोगे क्या? इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तभी उनके इंटरव्यू की डिमांड कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे तो वेल्सन थैम्पू साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सीधे ही सीधे इल्ज़ाम लगा दिया सेंट स्टीफन के मैनेजमेंट के ऊपर कि ये गलत तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब कि बेसिकली एक्चुअली में वेल्सन थैम्पू साहब यहाँ पे माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी की बात की जाए तो अब क्रिश्चियन कम्युनिटी का अगर मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे तो वो क्रिश्चियंस की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन वो क्रिश्चियंस की भलाई के लिए भी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं? अब ओवरऑल क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कि एडमिशन लेना चाहते होंगे कहाँ पे, आपका सेंट स्टीफन कॉलेज में, बट हो सकता है कि इंटरव्यू के हेर फेर में किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए। बट चलिए, अब टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो 50% सीटें क्रिश्चियनिटी धर्म के लिए रिजर्व है उसमें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो जनरल कैटेगरी की सीट है उसमें क्यों इंटरव्यू करवा रहे हो, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड किसी भी और कॉलेज में इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो सेंट स्टीफेंस में क्यों हो रहा है? जब बाकी हर जगह पे CUET के स्कोर्स पे एडमिशन होगा तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये से कैसे बोल सकता है कि हम तो 85% वेटेज देंगे CUET को, 15% तो हम अपना इंटरव्यू का रखेंगे।
और खासकर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वासन थम्पू साहब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल रहे हैं 12वें एसी कॉलेज के और खुद ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में धांधली होती है। तो जब एक सर्व्ड प्रिंसिपल ऐसा बोल चुका है तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट मोस्ट प्रॉब्ली इसी फेवर में जाना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा हटा दिया गया है, ये हटा ही होना चाहिए। सेंट स्टीफन कॉलेज की बात नहीं माननी चाहिए। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो साफ साफ ये बोल दिया है कि अगर सेंट स्टीफन कॉलेज जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी इंटरव्यू करवाता है तो हम इंटरव्यू प्रोसेस को मानेंगे ही नहीं, बच्चों के एडमिशन को वैलिडिटी ही नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर सेंट स्टीफन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट में एक लीगल बैटल चल रहा है। अब इस लीगल बैटल का क्या रिजल्ट निकल के आता है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। आई होप आपको यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई, उस टॉपिक का जो बेसिक डिटेल है वो समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई राय है ओवरऑल ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। हो सके तो ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के